कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर की साइकिल यात्रा का दूसरा चरण अब मई महीने के अंत में शुरू होगा। ये यात्रा गांव चौटाला से शुरू होकर सिरसा में खत्म होगी। ये जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने सिरसा के कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर दी। इस दौरान अशोक तंवर ने सीएम के विदेश दौरे पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि सीएम विदेश से बैंगन लेकर आएंगे, खुद भी खाएंगे और सबको खिलाएंगे। जो साइकिल यात्रा हमने कालका से लेकर के पेवा पहला चरण किया था, उसके दूसरे चरण की शुरुआत के लिए आप सब जानते हैं आज हर जगह हर वर्ग परेशान है। ये सरकार बड़े तानाशाही रवैये के साथ चल रही है। आज संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। साइकिल यात्रा चौटाला गांव से शुरू होकर के सिरसा शहर के अंदर उसका समापन होगा। वही हम तारीखों के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। सारा कुछ साथियों का सुझाव है कि इसको हम बेहतरीन तरीके से करें और पूरे अधिकतर गांव और जो भी मेन हमारे शहर हैं, कस्बे हैं, वो पूरे कवर हो, वो हमारा इस यात्रा का मकसद रहेगा। नहीं, वो वही हम साथियों से चर्चा कर रहे हैं। कुछ साथियों का ये मानना है कि हम इसको और थोड़ा पोस्टपोन कर दें बेहतर तरीके से, और क्योंकि ये खुद हमारा संसदीय क्षेत्र भी है और कुछ दिल्ली के कार्यक्रम भी, कुछ ऐसी मीटिंगें हैं जिसको लेकर के थोड़ा सा वहाँ रहना भी बहुत ज़रूरी है। संगठन की औपचारिकताएँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब सारे साथियों के सुझाव लेने के बाद हम इसको फाइनल करेंगे। लेकिन ये सुझाव मोटे तौर पर आए कि हमें 31 से लेकर के इसको 4 तारीख तक इसको करें। नहीं, यात्रा का तो उद्देश्य यही है कि हम प्रदेश में किसान, मजदूर, गरीब आदमी, नौजवान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी को राहत दिलवाने का काम करें, सरकार के ऊपर दबाव बनाएं और ये जो सरकार आज हर मोर्चे पे फेल है उसके खिलाफ जनादेश कांग्रेस के पक्ष में इकट्ठा करें। और क्योंकि ये चुनावी वर्ष की शुरुआत भी है, तो एक तरीके से ये यहाँ इस इलाके में चुनाव का भी, जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव होने हैं, इस सरकार के खिलाफ और जो इनकी बी टीम है इनेलो, उसके खिलाफ भी शंखनाद करने का, बिगुल बजाने का काम करें। विदेश से बैंगन लेके आएंगे सबके लिए, खुद भी बैंगन खाएंगे, सबको बैंगन खिलाएंगे, बैंगन देंगे सबको। तो बैंगन तो हजारों साल से हम लोग खाते आ रहे हैं, तो विदेश में गए किस लिए, क्या बैंगन लेने गए? लोग ये पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा, ये लोगों की तरफ से सवाल है कि निवेश आता नहीं, कुछ तरक्की होती नहीं, हरियाणा का पूरी तरीके से, चाहे वो हम आर्थिक ढांचा देखें, वो ख़त्म कर दिया है, उद्योग धंधे यहाँ से पलायन हो रहे, निवेश के नाम पर कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए आखिरी साल है, मौज मस्ती करने के लिए मंत्री और मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। इंडेक्स के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।